कितनी तकलीफ दे है ये जिंदगी। कभी शुक्र भी अदा कर लिया करो, सब कुछ तो है तुम्हारे पास। क्या है मेरे पास? हाँ, साल के 4-5 जोड़े, और वो भी 500 वाले। खाने को महीने में 4 दिन गोश्त। देखो इस शहर में इतने घर हैं जिन्हें 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती, पेट भरकर खाना नहीं खाते, वो भी तो जी रहे हैं। मुझे नहीं जीना उनकी तरह, और ना ही इस तरह से जीना जिस तरह से तुम जीते हो फारूक। अरे महीने की तनख्वाह मिलती नहीं है कि तुम घर का हिसाब किताब बनाने लगते हो। तो क्या करूं, तनख्वाह में से 15,000 तो घर का किराया और बिजली के बिल निकल जाते हैं, और बाकी के पैसों में शामिर की फीसें। और मैडम, घर का खर्चा चलाने के लिए ये बजट बनाना जरूरी है। जब मैं जॉब कर लूंगी तो तुम्हें ये बजट बनाने की जरूरत ही पड़ेगी। मैं तुमसे 1,000 मरतबा कह चुका हूं कि तुम मुलाजमत नहीं करोगी तो नहीं करोगी, समझी? जॉब तो मैं करके रहूंगी, मैं मजीद ये मुफलसे की जिंदगी नहीं गुजार सकती। पापा, इस महीने मुझे नया स्कूल बैग और जूते भी लेकर देना आप। बेटा, घर के बजट से पैसे बचेंगे तो पापा लाकर देंगे ना। शान से मुझे डांटने से कुछ नहीं होगा। अरे अब तो बच्चे का यूनिफॉर्म भी पुराना सा दिखने लगा है। इस मर्तबा हम अपने बेटे को एक प्यारा सा स्कूल बैग और शूज लेकर देंगे, ठीक है? और पापा यूनिफॉर्म? यूनिफॉर्म अगले महीने। ओके पापा। ओके चलो, तुम्हें स्कूल से देर हो रही है, चलो चलते हैं। फारूक, मेरे मोबाइल में बैलेंस डलवा देना। डलवा दूंगा, चलो बेटा चले, देर हो रही है। बाय बेटा। फारूक। कुछ नहीं, बाय। ओके बाय, चलो। जॉब करने की परमिशन का एक ही तरीका आजमा रही हूँ। फारूक को राजी करने का क्या तरीका हो सकता है? क्या तरीका? हाँ ये ठीक है। तुमने शामिर को जूते और बैग खिला दिए? भाई बहुत ही महंगी चॉइस है शामिर। फिर क्या, अब लेके तो देने पड़ेंगे। बस ये है कि जरा बजट आउट हो जाए। इसीलिए तो कह रही हूँ फारूक कि मुझे जॉब करने दो। फारूक हमारा सिर्फ एक ही बेटा है, आज छोटा है कल वो बड़ा होगा, हम उसके लिए क्या क्या कर सकेंगे? ऐसा भी तो हो सकता है ना कि हम एक छोटा सा मकान किराए पे ले लेते और जो किराए से बचत होगी उसे हम अपने बेटे की खुशियां खरीदें। तुम सिर्फ आज की सोचते, मैं उसके मुस्तकबिल के लिए फिक्रमंद। तुम्हारा मतलब क्या है? तुम्हारी मुलाजमत करने से शामिर के मुस्तकबिल का क्या दाल? मेरी बात को ठंडे दिमाग से सोचो। क्या सोचो? फारूक, हम तुम्हारी तनख्वाह से अपने फालतू के अखराजात को कम करके अपनी जिंदगी गुजारे, और जो मेरी तनख्वाह होगी उसे हम शामिर के अच्छे मुस्तकबिल के लिए जमा कर देंगे। ओहो, अब इतना ज्यादा भी ना सोचो, मैं तो बस कल से ही अपनी जॉब की तलाश में शुरू हो जाती हूँ। अगर मगर कुछ नहीं, प्लीज। शामिर की देखभाल कौन करेगा? अरे बाबा, उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अम्मा का घर शामिर के स्कूल के करीब ही है, वो स्कूल से वापसी में अम्मा के घर चला जाएगा। हाँ ऐसा हो सकता है। अब ज्यादा फिक्र ना करो, वापसी में तुम या मैं कोई भी उसे घर ले आ जाएगा। अच्छा तुम बैठो, मैं तुम्हारे चाय ले आती हूँ। हाँ
कैसी है ये बाहर की दुनिया, कैसे अजीब अजीब लोग हैं, गरीबों की मजबूरियों को ये किस तरह से अपनी हवस का निशाना बनाते हैं। इस तरह से तो मेरे शामिल का मुस्तकबिल कभी महफूज नहीं होगा। परेशानी हो बेटा, उसे अपना ही घर समझो। बेटा हुआ क्या है, मुझे अपनी परेशानी बताओ, क्यों तुम इतना परेशान हो? पता नहीं, मैं सुबह से घर से निकली हुई थी नौकरी की तलाश में, बहुत ज्यादा थक गई थी शायद, इसलिए थोड़ा चक्कर आ गए। नौकरी ढूंढते ढूंढते क्या मतलब? एक्चुअली मेरे शौहर की तनख्वाह इतनी नहीं है कि हमारा गुजारा हो पाए, इसलिए मैं नौकरी की तलाश में निकली। अच्छा, तुम कितना पढ़ी हुई हो? जी मैंने BBA किया है। अच्छा, मैं अपने भाई से बात करती हूँ, इंशाल्लाह तुम्हारी नौकरी का मसला हल हो जाएगा। जी बाजी, आज भाई की याद कैसे आ गई? खैरियत तो है? जी भाई, आपको तो पता है मैं बिला वजह किसी को तंग नहीं करती। अरे बाजी, आप हुक्म करें। हुक्म नहीं, दरखास्त है। एक मजबूर और लाचार औरत है बेचारी। क्या मतलब? एक बच्ची है जॉबलेस, अपने ऑफिस में उसके लिए जगह बना दें भाई, बहुत मजबूर है बेचारी। अरे बाजी कैसी बातें कर रही है। ठीक है, आप हुक्म करें और मैं उसको टाल दूं, ऐसा कभी हुआ है पहले? आप ऐसा करें कि उसे भेजने में देख लेता। शुक्रिया भाई। ओके, अल्लाह हाफिज़। ये तुम कार्ड ले लो, उनके ऑफिस चली जाओ, इंशाल्लाह तुम्हारी नौकरी लग जाएगी। मैं इनके ऑफिस चली जाऊं तो मुझे जॉब मिल जाएगी? हाँ हाँ, जरूर मिल जाएगी, फिक्र नहीं। थैंक यू। ये तुम कार्ड ले लो, उनके ऑफिस चली जाओ, इंशाल्लाह तुम्हारी नौकरी लग जाएगी। मैं इनके ऑफिस चली जाऊं तो मुझे जॉब मिल जाएगी? हाँ हाँ, जरूर मिल जाएगी, फिक्र नहीं करो। सर मुझे आपकी सिस्टर ने कार्ड दिया था। जी जी, बैठे, तशरीफ रखें। थैंक यू सो मच सर। पहले ये बताएं कि चाय चलेगी या कॉफी? नथिंग सर, थैंक यू। आपको कुछ एक्सपीरियंस है काम का? सर मैंने BBA किया है। दरअसल मैं अपनी बहन की कोई बात टाल नहीं सकता, उन्होंने भेजा है तो आपको जॉब जरूर मिलेगी, बल्कि मेरा ख्याल है कि आप आज से ही अपनी जॉब शुरू कर सकते हैं। श्योर सर। फैसल जरा अंदर आना। बाजी ने जब भी किसी काम का कहा है तो मैं इनकार नहीं कर सकता। फैसल तुम ऐसा करो कि मैडम को इनका कमरा दिखा दो। थैंक यू सर। वेलकम।
मैडलन शांजे, आपने ऑफिस को बड़े अच्छे तरीके से संभाल लिया है। मेरी तकरीबन काफी मुश्किलात रिजॉल्व हो गए। थैंक यू सर। अच्छा सर, अब मैं चलूं? हाँ, बल्कि ऐसा कर दें कि मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। नो सर, सीरियसली इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद चली जाऊंगी। ऐसा कैसे जनाब? आपके लिए तो खुशखबरी है, ऑफिस की तरफ से आपकी गाड़ी बुक हो चुकी है, कल तक शायद आपको मिल जाए। अच्छा, वो आपसे एक रिक्वेस्ट। जी जी सर, कहिए ना। मुझे शॉपिंग करनी है, अकेले शॉपिंग होती नहीं मुझसे, अगर आप हेल्प करवा दें तो। मेरा मतलब है, आप अपने लिए भी शॉपिंग कर सकती हैं। नहीं सर, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, थैंक यू। अरे जनाब, आप चलें तो सही, वहाँ चल के फैसला कर लेंगे। ओके सर। मामा, आज आप बहुत खुश हैं। मेरी जॉब ही ऐसी लगी है, पर्सनल सेक्रेटरी की तरह बस यूं बैठी रहूंगी, गाड़ी में आऊंगी, गाड़ी में जाऊंगी। तुम्हारे पापा की तरह इस खचारा मोटरसाइकिल पर नहीं। मामा, इतने अच्छे अच्छे कपड़े किसने दिलाए? मेरे बॉस ने। अब जाहिर है उनकी पर्सनल सेक्रेटरी हूँ तो अच्छे ड्रेसेस तो पहनूंगी। मामा, आप मेरे लिए कुछ भी नहीं लाई। अरे बेटा, मामा आपको खुद शॉपिंग करवाएंगी। कब मामा? ऐसा करते हैं कि अभी चलते हैं, राइट? मैं तुम्हें न्यू यूनिफॉर्म, जूते और बैग दिला कर दूंगी। ओके, सो गेट रेडी, हरी अप, हरी अप। पिछले कई दिनों से देख रहा हूँ कि तुम नाश्ते और खाने की टेबल पर बड़ी मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें रखती हो, ये सब कहाँ से आता है? मैं अच्छी सैलरी की जॉब करती हूँ, तुम्हारी तरह 25 से 30 हज़ार की नहीं। जस्ट शट अप। यू शट अप। मुख्तलिफ किस्म की दाल सब्जी और पापे खिलाते थे ना तुम मुझे। देखो, मैं अपनी हैसियत और चादर में रहने का आदी हूँ। अच्छा, फिर तो तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि मैंने तुम्हारी हैसियत और चादर दोनों ही बड़ी कर दी। देखो शांजे, मैंने तुम्हें शामिर के बेहतर मुस्तकबिल की खातिर मुलाजमत करने की इजाजत दी थी, इस तरह गुलछर्रे उड़ाने के लिए नहीं। शामिर का मुस्तकबिल भी बना दूंगी, पहले मैं अपने अरमान तो पूरे कर लूं। तुम शायद ये भूल रही हो कि तुम एक बेटे की माँ। क्यों, बेटे की माँ का दिल नहीं होता कि वो सैर करे, अच्छे से अच्छा खाना खाए, अच्छे कपड़े पहने? ओह, अब समझा। तो तुमने शामिर की आड़ लेकर मुलाजमत शुरू की है ना? मामा, मुझे स्कूल के लिए देर हो रही है। तुम नाश्ता करो, मैं शामिर को तैयार करके लाती हूँ।